हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं तो बिंदास फर्स्ट क्लास चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर एक और यहाँ पे न्यू इवेंट आई है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग सर्वर में देखने को मिलेगी। और गाइज यहाँ पे उसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि क्या आखिर आप लोगों को वो जो इवेंट है वो BGMI के अंदर भी देखने को मिलेगी कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे अलग अलग बैनर पे आप लोगों को सेकेंड नंबर का बैनर देखने को मिलेगा, उसी के आप लोग ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग इवेंट को देख सकते हो। इस इवेंट का नाम यहाँ पे टेक्टिकल ड्रिल है, जो कि बहुत टाइम से हम लोगों को देखने को मिलती है। और आप सबको पता हो तो इसके अगले सीज़न में भी हम लोगों को ये इवेंट देखने को मिली थी, जो कि पहले पबजी मोबाइल में आई थी। उसके बाद जब हम लोगों का BGMI आया था ना, तो हम लोगों ने ID ट्रांसफ़र करी थी, तो उसके अंदर भी गाइज हम लोगों को टेक्टिकल ड्रिल वाली इवेंट देखने को मिली थी। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इवेंट आप लोगों को BGMI में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ यहाँ पे इस इवेंट का आप लोग टाइमिंग देखो तो 29 तारीख से ये इवेंट स्टार्ट हुई है और 3 तारीख तक यहाँ पे चलने वाली है। इसके अंदर आपको टोटल 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें से कोई भी एक चीज़ आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हो। फिर जो चीज़ आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट करते हो, इसके आप लोगों को पर्टिकुलर कुछ मिशंस दिए जाएंगे, और उसी मिशंस से आप लोगों को यहाँ पे जितने भी उस चीज़ के लिए पॉइंट होंगे ना, वो पॉइंट कंप्लीट करते ही आपको यहाँ पे आइटम परमानेंट मिल जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों को मैं आप लोगों को एक्टिवेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग आइडिया है पबजी के अंदर, और तीनों के मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स भी बताऊँगी, और उसके थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसके पॉइंट ज़्यादा है और किसके पॉइंट कम है, जिसके थ्रू आप लोग फिर वो आइटम को सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवेट करना। तो ये वाली जो मेरी आईडी है, इसके अंदर हम लोग पहले स्कारल को एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके कितने पॉइंट हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे स्कारल पे क्लिक करना है और सिंपली आप लोगों को एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप लोग केयरफुली करना, क्योंकि अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हो तो 72 आवर्स के बाद ही आप लोग चेंज कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्कारल को एक्टिवेट कर लेती हूँ, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट करते हो तो वो गन स्किन या आउटफिट जो भी आप लोग लेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद उसके आप लोगों को कुछ मिशंस दिए जाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, जो स्कारल है उसके लिए यहाँ पे टोटल 60 पॉइंट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्कारल के लिए आप लोगों को 60 पॉइंट लगेंगे, जिसमें यहाँ पे अलग अलग मिशंस दिए गए हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे मिशंस जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे डेली रिफ्रेश देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे जो लास्ट वाला मिशन होगा ना, वो आप लोगों का यहाँ पे वीकली मिशन होगा। वो मिशन आपको 7 दिन के लिए रहेगा, और इसके अंदर आपको यहाँ पे 10 मैच खेलने हैं, और बाकी मिशंस कंप्लीट करने पे भी आप लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि फर्स्ट वाले पे फ्रेंड को एक चिकन हार्ट सेंड करते हो तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे टॉप 20 में आते हो एक बार तो आपको 2 मिल जाएगी। 30 यूसी स्पेंड करते हो तो 3 और मिल जाएगी। फिर आप लोगों को टॉप 20 में आना है 2 बार, और उसके बाद आप लोगों को 10 मैच खेलने हैं किसी भी मोड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने हैं आपको, और जैसे ही आप लोगों के यहाँ पे 60 पॉइंट हो जाते हैं ना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये स्किन है वो परमानेंट मिल जाएगी। और अगर आप लोग अभी से ये चीज़ लेना चाहते हो तो यहाँ पे परचेस पॉइंट है, और यहाँ पे आप लोग कम्प्लीटली सारे पॉइंट कम्प्लीट करके भी आप लोग यहाँ पे कारल ले सकते हो, अगर आप लोगों को अभी के अभी चाहिए तो, ठीक है। तो ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने से आपको पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। तो गाइज ये यहाँ पे कारल की बात हो गई, आप लोग याद रखना कारल के लिए 60 पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरी दूसरी आईडी के अंदर ले चलती हूँ, और उसके अंदर दिखाती हूँ कि आउटफिट के लिए कितने पॉइंट है। तो गाइज़ यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे मैं मेरी दूसरी आईडी में आ चुकी हूँ, और दूसरी आईडी के अंदर हम लोग इस इवेंट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को आउटफिट एक्टिवेट करके दिखाती हूँ कि इसके लिए आप लोगों को कितने पॉइंट चाहिए होंगे। तो आप लोग देखो, आउटफिट को जैसे ही यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया तो गाइज़ इसके लिए यहाँ पे 120 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आउटफिट सिलेक्ट करना हो तो आप लोग सबसे पहले आउटफिट सिलेक्ट करना, उसके बाद जैसे ही आप लोगों को आउटफिट मिल जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद आप लोग स्कारल सिलेक्ट करना, और उसके बाद स्कारल के मिशन कंप्लीट करना। और गाइज आप लोग देखोगे तो इवेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली है, कम से कम यहाँ पे 35 डेज़ की यहाँ पे ये इवेंट है, तो 2 चीज़ें तो आपको आराम से मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे स्कारल के लिए 60 पॉइंट है और आउटफिट के लिए 120। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आउटफिट सिलेक्ट करना,
एक बार आप लोग परमानेंट आउटफिट ले लो 120 पॉइंट कंप्लीट करके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्कारल लेना। और अगर आप लोगों को उसके बाद स्कारल भी कम्प्लीटली मिल जाती है तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो मास्क है उसको एक्टिवेट करना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को तीसरी आईडी में मास्क सिलेक्ट करके दिखाती हूँ और उसके कितने पॉइंट है वो भी दिखाती हूँ। बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे 3 दिन लिखे हैं, मतलब जो 9 पॉइंट मुझे मिले उसके लिए मुझे ये आउटफिट 3 दिन के लिए मिलेगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कंप्लीट करते जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिन दिखाएंगे। जैसे कि चलो आप लोगों को अभी 9 पॉइंट मिले हैं, उसके बाद आपको 10 मिल जाते हैं, आप लोगों को यहाँ पे 20 पॉइंट तक मिल जाते हैं, तो आउटफिट टोटल 6 दिन के लिए मिल जाएगा या 7 दिन के लिए मिल जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे जितने पॉइंट पे आप लोग अटकोगे ना उतने दिन के लिए आपको आउटफिट मिलेगा, और लास्ट में 120 पॉइंट कर लिए तो आउटफिट परमानेंट मिल जाएगा। अब चलिए मैम यहाँ पे दूसरी आईडी में आप लोगों को ले चलती हूँ। तो चलो गाइज अब यहाँ पे मैं तीसरी आईडी में आ चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे भी मैं उस इवेंट को ओपन कर लेती हूँ। सेकेंड नंबर के बैनर में वो इवेंट देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को स्कारल दिखाए, तो स्कारल के लिए 60 पॉइंट है। सेकेंड यहाँ पे आउटफिट है उसके लिए 120 पॉइंट है, और थर्ड यहाँ पे मास्क है। तो अब मास्क को एक्टिवेट करके देखते हैं इसके लिए कितने पॉइंट आपको चाहिए होगे। तो गाइज यहाँ पे जो मास्क है उसके लिए यहाँ पे 45 पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके मिशन कंप्लीट करके फिर आप लोग मास्क भी ले सकते हो। तो आई होप आप लोग अच्छे से इवेंट को समझ गए होगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और ये इवेंट आप लोगों को BGMI में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले जब पबजी में ये इवेंट आई थी तो BGMI के अंदर भी ये इवेंट आई थी। तो चले गाइस मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।